सो व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जेनेस क्लासेस और मैं विपुल शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का कोस्ट अकाउंटिंग की शानदार क्लास के अंदर। तो आज बात करने वाले हैं प्रोसेस अकाउंट के न्यूमेरिकल नंबर 8 और क्लास नंबर 9 है आज की। और मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल की बात करने वाला हूँ आज मैं आपसे, जो आज आपका आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ। ये क्लास नंबर आपकी जो है वो 9 है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। और जो मैं आपसे क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ ये सारे के सारे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम से रिलेट करते हैं, आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो आप अगर आप बेहतर नंबर लाना चाहते हैं, अच्छे से मार्क्स लेकर के आना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को और इन क्लासेस को पूरा देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को समझ करके नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा। आइएगा शुरू करते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। आइएगा देखते हैं आज का क्वेश्चन। ये रहा आज का शानदार क्वेश्चन आपसे शेयर कर रहा हूँ। जी हाँ, आपके सामने पढ़ते हैं आपसे कि एक फैक्ट्री की पुस्तकों से निम्न विवरण उपलब्ध है जिसमें दो विधियों में कार्य हुआ है, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी में हुआ है। मटेरियल दिया, वेजेस दिया, वर्क ओवरहेड दिया, वेस्टेज दिया और सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट दिया। उसके अंदर कुछ चीज़ नहीं दी है। क्या चीज़ दी है? 100 टन सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25% एंड यहाँ भी 100 टन सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%। आइएगा शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता है लाइन खींचनी होती है इसकी परफॉर्मिंग की, प्रोसेस की। प्रोसेस का परफॉर्मर जो होता है सबसे पहले वही, यहाँ पे आपका अमाउंट आएगा तो यहाँ पे आपका क्वांटिटी यानी कि यूनिट आ जाएगी। यहाँ पे आपका ये, यहाँ पे यूनिट, ओके, देन यहाँ पे आपकी क्वांटिटी और अमाउंट और यहाँ पे आपकी यूनिट यानी कि क्वांटिटी। यहाँ पे लिखेंगे आप अपना प्रोसेस वन यानी कि प्रोसेस आपका फर्स्ट है ये, ठीक है। यहां पे लिखेगा आप पर्टिकुलर आपकी यूनिट। ध्यान से समझिएगा सब लोग, जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं यहां वही आपके एग्जाम के अंदर से मैं क्या कहूंगा आपको कि 95% तो मैं गारंटी ले सकता हूं इन क्वेश्चन में से ही आपको वहां मिल जाएगा आपके एग्जाम के अंदर, मतलब रिलेटेड है ना। अमाउंट चेंज हो सकती है। सबसे पहले आपका मटेरियल है 1000 टन 50 रुपीज़ पर टन, तो यहाँ पे लिखेंगे टू मटेरियल 1000 टन है और कितने रुपए हैं 50 रुपीज़, तो कितने हो गए 50,000 का। इसके बाद वेजी से आपकी 30,000 टू वेजिस 30,000 की है। इसके बाद वर्क ओवरहेड से उसने कहा 50% ऑफ वेजिस, तो यहां पे लिखेगा टू वर्क ओवरहेड्स 50% है वेजिस का यानी कि 30,000 का 50% 15,000। इसके बाद वेस्टेज है आपका 100 टन जो आपका बेकार हो गया, तो वो यहां डाल देंगे बाय वेस्टेज 100 टन, ठीक, इसका कोई अमाउंट नहीं होगा। और बाद में लिखेंगे सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट 100 टन है ना, तो यहां पे लिखेंगे बाय सेल बाय प्रोडक्ट कितना है 100। अब इसका वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे यहाँ पे, आइएगा यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं वर्किंग नोट। एक एक चीज को इसलिए मैं ध्यान से एक एक चीज पढ़ करके बता रहा हूँ आपको कैसे लिखेंगे। सबसे पहली चीज यहाँ पे देखो आपकी 1000 की कॉस्ट क्या है, 50, 30, 80, 10, 90, 95, तो यहाँ पे लिखेंगे एक साइड आपको जैसे बताया था यूनिट और यहां पे लिखेंगे आप अमाउंट। तो 1000 की जो कॉस्ट है वो है 95,000, तो 100 तो आपकी वेस्टेज हो गई, बेकार हो गई 100 यूनिट जिसकी कॉस्ट कुछ नहीं, तो यानी कि 900 यूनिट की जो कॉस्ट है वो है 95,000, 900 की कॉस्ट है 95,000। तो
अब आप क्या करेंगे, आप ये लिखेंगे ऐसे, इफ, थोड़ा सा गैप दे के लिख लेते हैं, इफ 900 यूनिट कॉस्ट 95,000, 100 यूनिट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, क्योंकि वेस्टेज जो है वो, मतलब जो सेल बाय प्रोडक्ट है वो 100 है ना, तो 95,000 डिवाइडेशन 900 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो गए, 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 10,556। ध्यान से समझते रहना। अब यहाँ पे उसने कहा कि 25% कॉस्ट भी है, तो आप क्या करेंगे, प्लस 25%, कैसे होगा, 10,556 का 25% कर दीजिए आप, 25 चौका 100 हो गया, और 4 से काटेंगे इसको तो आपको आएगा 2639, ये आपका प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, ये आपका प्रॉफिट, ठीक है। और टोटल कितना हो गया इसका, टोटल हो गया आपका ये 10,556 प्लस 2639, तो ये हो गया आपका 13,195। तो यहाँ पे लिखेंगे आप इस तरीके से इसको, सेल बाय प्रोडक्ट 100 की कॉस्ट जो है वो आएगी आपकी 13,195 100 की, है ना। और यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रोसेस सेकंड, जो आपको सेकंड में ट्रांसफर करना है, तो 800 की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 95,000 में से आप माइनस कर लेंगे 13,195, एक हजार की जो कॉस्ट है वो है 95,000, तो 95,000 में से आप ये माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 84,444, ठीक है, ये आपका प्रोसेस बन गया। इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, समझ में आया आपको। नेक्स्ट चलते हैं आपको लेकर के, कोई भी क्वेरी हो उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, और वहाँ मुझसे अपनी क्वेरीज को ले सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, फिर अपना प्रोसेस सेकंड का बना लेंगे आप लोग। यहाँ पे लिखेंगे आप प्रोसेस सेकंड, है ना। तो अब स्टार्ट करेंगे सीधा, पहले जो प्रोसेस फर्स्ट से आया, तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रोसेस, जो आपका फर्स्ट से आया है। क्या क्या आया है, 800 यूनिट्स टन, है ना, और कितने का था ये, 84,444, राइट। अब इसमें आप पीछे जाइए क्वेश्चन में, जैसे कि वेजेस दिया है आपको 20,000 का, यहाँ पे लिखेगा टू वेजेस, जैसे आपने प्रोसेस फर्स्ट किया ना, बस ऐसे ही आपको सेकंड करना है, और खुद भी करेंगे ना तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। वैसे वर्क ओवर हेड से 30% ऑफ वेजेस टू वर्क ओवर हेड्स, वर्क ओवर हेड्स 30%, तो 30% कितना हो गया इसका, 20,000 का 30% 6,000, ठीक। इसके बाद उसने कहा है भाई वेस्टेज हो गया 200 टन, तो यहाँ पे लिखो बाय वेस्टेज 200 टन, और इसमें डालिए बाय सेल बाय प्रोडक्ट, कितना जो बाय प्रोडक्ट सेल किया आपने 100 टन, वही कॉस्ट प्लस करके निकालना है इसको, तो जैसे अभी आपसे निकलवाया था वैसे ही निकालना सेम प्रोसेस में। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे टोटल कर लेता हूँ, ताकि मुझे यहाँ पे एक कॉस्ट पता लग जाए कि 800 यूनिट की जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी टोटल। तो हमारे अकॉर्डिंग 800 की जो कॉस्ट है
वो बनी है 84 और 20, 1,04,000, 1,10,444, 1,10,444। तो यहाँ पे वर्किंग नोट में जाएंगे आप। अच्छा यहाँ तो बना हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पे चले जाएंगे नीचे इसके, यहाँ पे लिखेंगे आप यहाँ पे लिखा आपने यूनिट और यहाँ पे लिखेंगे आप अमाउंट। तो 800 यूनिट की जो कॉस्ट है वो है 1,10,444, ठीक है। तो इसके अंदर से 200 तो वेस्टेज होगी, सीधा लिखो बाई माइनस वेस्टेज 200, जिसकी कॉस्ट कुछ नहीं है। इट मीन्स 600 की कॉस्ट है ये 1,10,444। इसके अंदर से कितना सेल बाय प्रोडक्ट हुआ, सेल बाय प्रोडक्ट 100 यूनिट। तो आप इसको निकालने के लिए यहाँ जाएंगे नीचे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे आप ऐसे 600 यूनिट कॉस्ट 1,10,444। तो 100 की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1,10,444 डिवाइडेशन 600 इंटू 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 6 से आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 18,407। एक चीज़ और भूल गए हम लिखना, चलो अभी लिख देंगे। ये जो ऊपर वाला जो ये था, यहाँ पे एक चीज़ और दिखानी है आपको, प्रॉफिट टू प्रॉफिट, मिस्टेक हो गई मुझसे। ये जो 2639 का जो प्रॉफिट आया था वो यहाँ दिखाना है, इससे आपको टोटल हो जाएगा 1000 का। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, छोटी रेजर ले लेता हूँ, है ना। मैं वही सोच रहा था कि यहाँ पे टोटल मैंने कर तो दिया, लेकिन मुझे मिस्टेक लग रही थी। 97639, यहाँ भी आएगा 97639, ठीक है। सेम प्रोसेस में आपको यहीं पे करना है, आपको 18,407 आया। अब इसमें 25% प्लस करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 18,407 का 25%, 25/100 कर दिया आपने, तो आपका आएगा यहाँ पे कर दीजिएगा आप 4,602। तो टोटल जो हो जाएगा, ये तो प्रॉफिट है, टोटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 18,407 प्लस 4,602, तो टोटल हो जाएगा आपका 23,009। ये आपको दिखाना है, आइएगा यहाँ पे। एक तो यहाँ पे प्रॉफिट लिखेंगे, पहली चीज तो यहाँ प्रॉफिट दिखाओगे आप, टू प्रॉफिट, प्रॉफिट था आपका 4,602। और यहाँ पे दिखाओगे बाय फिनिश गुड्स, और सेल बाय प्रोडक्ट दिखाओगे आप कॉस्ट प्लस करके, कितने का, 23,009 का। तो बचा आपके पास 800 में से 300 गया, 500 यूनिट बची, तो 500 की जो कॉस्ट होगी वो बचेगी आपकी 92,037। और ये आपका हो गया पूरा 800 यूनिट की 1,15,046। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 हुआ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग यहाँ से, एंड मैं वर्किंग नोट का भी दे दूँगा स्क्रीनशॉट, ये ले लीजिएगा यहाँ से, इस वाले वर्किंग नोट का लीजिएगा जो फर्स्ट प्रोसेस का है, पूरा फर्स्ट प्रोसेस का है वर्किंग नोट, और ये सेकेंड प्रोसेस का वर्किंग नोट है यहाँ से, ठीक है।
तो आई होप मेरी क्लास आपको समझ में आई होगी, मेरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा किस तरीके से मैंने आपको बताया है। और इसी तरीके से अगर इस वे में आप क्वेश्चन करते हैं तो 10 से 15 मिनट आपको क्वेश्चन करने में लगेगा एग्जाम के अंदर, और आपको 15 मार्क्स फ्री फंड के मिल जाते हैं अगर आपने इतना सीख लेते हैं। बट मैं कहूँगा इसको सीखने के लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, बार बार प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, बार बार तैयारी करनी पड़ेगी आपको इसी लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और कमेंट जरूर करके बताना कैसी लगी। एंड साथ ही अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई भी आपकी क्वेरीज है, कुछ भी आपको पूछना है रिगार्डिंग ओनली स्टडी और अदर सब्जेक्ट से रिगार्डिंग भी, तो आप उसके लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके ज्वाइन करो। और जितने भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए सभी को फॉलो कर दीजिएगा। थैंक यू बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।